छत्तीसगढ़ जगदलपुर राज्य शासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि शहर के हर वार्ड में जन समस्या निवारण शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और सुलझाई जाएं, जिसे लेकर नगर निगम के द्वारा आज देवांगत समाज के 5 वार्ड में शिविर लगाया गया, जहां लोग आज जन समस्या निवारण हेतु पहुंचे और अपनी वार्डों में हो रही समस्याओं से अवगत कराए। बता दें कि समस्या निवारण में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, लोग संबंधित अधिकारियों को अपनी समस्या बता रहे थे, साथ ही आवेदन के माध्यम से भी समस्याएं दी गई। बता दें कि यह जन समस्या निवारण शिविर 10 अगस्त तक चलेगा, जिसमें शिविर के लिए 10 टीम बनाई गई हैं, जो लोगों की समस्याएं सुनेंगी और आवेदन प्राप्त करके जल्द से जल्द समस्या को निपटाया जाएगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार जन समस्या निवारण पखवाड़ा के तहत आज जो है द्वितीय शिविर का आयोजन किया गया है। देवांगन समाज में है, 5 वार्ड के बीच में एक शिविर लगाया गया है। इसमें हमारी पूरी टीम जो है, चाहे वो राजस्व विभाग की टीम हो, चाहे विद्युत विभाग की टीम हो, जल विभाग है, सफाई विभाग है, एनयूएम की टीम है, सभी समस्त विभाग के हमारे कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हैं। जो समस्याएं जो आ रही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो त्वरित हो सकता है त्वरित उसका निराकरण जो है वो करने का प्रयास किया जा रहा है। जो नहीं हो सकता, जो लॉन्ग टर्म निराकरण जो संभावित है उसको नोट किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन सरक्ष हो रहा है, आवेदन फॉर्म के संबंध में तो पावती दिया जा रहा है संबंधित व्यक्ति को, ताकि जब भी हो उसका पता कर सकते हो, स्टेटस पता कर सकता है कि निराकरण हुआ कि नहीं हुआ, या फिर कब तक निराकरण होगा। इसके अलावा माननीय जनप्रतिनिधि लोग, सभी लोग उपस्थित हैं और सभी जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे मिल भी रहे हैं, उनकी समस्याएं को सॉल्व करने का, कुछ शिकायत भी आ रहा है, शिकायत को भी जो है निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। यह लगातार 10 तारीख तक चलेगा हमारे जितना भी नगर निगम के अलग अलग वार्डों में, और एक क्लस्टर बना बनाकर सभी के लिए स्थल चयन कर लिया गया है और जितनी भी समस्या आएगी उसका निराकरण तत्काल करने का प्रयास। नगर स्वराज की शुरुआत कल से हुई है और हम लोगों ने वैसे भी पहले से चौपाल लगाया है जनता के हित के लिए, जनता के बीच में जा रहे, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है जनता के साथ जुड़कर उनकी समस्या को सुनकर त्वरित निराकरण किया जा रहा है, और जो संभव हो सकता है कि अगर हम उसको 24 घंटे के अंदर निराकरण कर सके तो पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जो 1 से 2 दिन का समय है, अगर राशन कार्ड में जैसे नाम जोड़ने का है या काटने का है या कहीं पर निर्माण कार्य है, जैसे कि जानते हैं निर्माण कार्य में समय लगेगा, और प्रधानमंत्री आवास में जो किराया नीति है उसके लिए भी काफी फार्म आ रहे हैं, कहीं बिजली के जो खम्भों में लाइट नहीं चल रही उसकी भी समस्या आ रही है, तो जितने भी यहाँ तक कि पट्टों के नवीनीकरण के भी काफी फार्म आए हैं, उस सब फार्म को लिया जा रहा है और पूरा प्रयास है कि शासन के द्वारा जो ये समस्या निवारण शिविर लगाया गया है उसमें त्वरित निराकरण किया जाए और समय के साथ उसका जो समस्या का हल को किया जाएगा।